सो दोस्तों ये क्वेरीज थी कि एंटीक्लोरीन क्या होता है। तो गाइस ये है एंटीक्लोरीन, ये आप देख सकते हो, बोतल है एक एंटीक्लोरीन, ये 20 रुपये में आता है, बहुत महंगा नहीं है। जब मैं वाटर चेंज करता हूँ और वाटर रिमूव करके नया वाटर ऐड करता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ कि एंटीक्लोरीन का 5 से 10 ml उस पर ऐड कर देता हूँ, जिससे कि अगर वाटर में क्लोरीन हो तो वो रिमूव हो जाए। क्लोरीन जो है, इसके वजह से क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन जो है धीरे धीरे जम के आपके बर्ड्स को, उनके हेल्थ को, उनके जो ग्रिल्स है जिनसे वो सांस लेते हैं उनको हार्म कर सकते हैं, फिश आपके एक्सपायर हो सकते हैं। सो इसलिए एंटीक्लोरीन इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है एंटीक्लोरीन का एक शीशी, जस्ट 20 रुपये में आता है। आपको वाटर जो है प्रॉपरली रिमूव करना होगा अपने ये से, मतलब ठीक मेजरमेंट पे। अगर आपका 4 बाग वाटर है तो उसमें से 2 बाग जब आप रिमूव करोगे और 2 बाग जब आप नया वाटर ऐड करोगे तो उस वाटर में क्लोरीन हो सकता है। उसके लिए प्रिकॉशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। गाइज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे एंटीक्लोरीन की वजह से मेरे बहुत सारे फिशेस डेड हो गए और क्या क्या रीजंस थे कि मेरे फिशेस के एक्सपायर्ड होने का, और कैसे आप उन सबसे बच सकते हो। सो गाइज लास्ट वीडियो भी देख लेना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी वो वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आपको कैसे वाटर जो है एक्वेरियम का वो मेंटेन करना है, प्रॉपरली फ्रेश और क्लीन रखना है, ताकि आपके बर्ड्स फिशेस को कोई भी तकलीफ ना हो। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।